नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज 2014 का सवाल है. इट सेज अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज क्यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर रेस्पेक्टिवली क्या होंगे. हमारे ऑप्शन है जीरो, या फिर क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, या फिर क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर एंड जीरो, या फिर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर एंड क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, या फिर चौथा ऑप्शन है बोथ आर जीरो. ना बहुत ही सिंपल सवाल है. हमें कहा जा रहा है कि एक आपका कंडक्टिंग स्फेयर है. इस कंडक्टिंग स्फेयर को आपने, जिसका रेडियस आर है, इसको चार्ज क्यू दिया हुआ है. तो इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, रेडियस इसका आर है. हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेंटर पे क्या होएगा. अगर ये डेटा आपको पता होना चाहिए, क्लास में हम इसको डिराइव करके देखते हैं. उसके बाद एक टेबल आती है, मैं कहता हूँ बेटा हफ्ते में एक बार ये टेबल आपको रिवाइज़ करनी है. सो अगर आपका ये आपका कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, तो ये कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हम पोटेंशियल ये कह सकते हैं कि सेंटर पे आपके जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी के क्यू बाई आर, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगी जीरो, बिकॉज सारा चार्ज आपका सरफेस पे पहुंच जाएगा. सो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी के क्यू बाई आर या फिर एंड जीरो वुड बी द राइट आंसर.